शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को दी गई एक गहरे गड्ढे में भू समाधि। जानना चाहते हैं कि सन्यासियों को भू समाधि कैसे दी जाती है और इस बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम विवान तिवारी है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीते रविवार को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अंतिम सांस ली। आज पूरा देश उन्हें कल से ही पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और आज 4 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्हें भू समाधि दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि सन्यासियों को भू समाधि कैसे दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक बड़ा गड्ढा किया जाता है, कहीं पर 6 फीट की बात की जा रही है किसी रिपोर्ट में या 7 फीट की। अगर आप ये मान लें एवरेज 6.5-7, तो 7 फीट लंबा, 7 फीट गहरा और 7 फीट चौड़ा गड्ढा किया जाता है। उस गड्ढे को गोबर के, जो गाय का गोबर होता है, उससे लीपा जाता है। लीपने का मतलब होता है बहारना। और उसके बाद वहाँ पर पूरी सही तरीके से साफ़ सफाई होती है। लीपने के बाद पूरे नीचे वाले सरफेस में, कह लीजिए नीचे जो फर्श होता है, वहाँ पर नमक बिछाया जाता है। इसके साथ में ही नमक बिछाने के बाद एक जगह छोटा गड्ढा किया जाता है जहाँ पर सन्यासी जी को समाधि दी जाती है, जहाँ पर उन्हें सिद्धासन के का जो एक तरीका होता है, सिद्धासन का मतलब है कि बैठने का एक तरीका है जिसे सिद्धासन कहा जा रहा है, उस अवस्था में सन्यासी को भू समाधि के दौरान बैठाया जाता है। इसके बाद उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को भी, जैसे कमंडल और अन्य जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो भी उसी गड्ढे में उनके साथ समाधि के दौरान रखा जाता है। इसके बाद चंदन की लकड़ी भी वहाँ पर होती है उस गड्ढे में। यही नहीं, पार्थिव देह पर सब तरफ घी का लेप भी लगाया जाता है और अंत में उस समाधि को पूरा करते हुए मिट्टी डाल दी जाती है। ज़्यादातर आश्रमों में ही ये समाधि होती है और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी ये चाहते थे कि उनके आश्रम में ही, जो नरसिंहपुर में उनके ज्योतेश्वर आश्रम है, वहीं पर उनकी समाधि हो। और वही हुआ, भू समाधि जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की, वहीं पर पूरी हो गई। नम आँखों से हजारों उनके जितने पूरा करते हुए मिट्टी डाल दी जाती है। ज़्यादातर आश्रमों में ही ये समाधि होती है और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी ये चाहते थे कि उनके आश्रम में ही, जो नरसिंहपुर में उनके ज्योतेश्वर आश्रम है, वहीं पर उनकी समाधि हो। और वही हुआ, भू समाधि जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की, वहीं पर पूरी हो गई। नम आँखों से हजारों उनके जितने भी श्रद्धालु थे, उन्होंने अंतिम विदाई दी अपने गुरु को और अंततः वो अब धरती में विलीन हो गए हैं। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे, मगर आपको भी हमारे साथ बने रहना है। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।